नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव के ऑफिस की तरफ से दी गई है। दरअसल ये गिफ्ट होगा शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा हुआ। बिहार में 70,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी आने वाली है। 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। बिहार लोक सेवा आयोग पिछली बार की तरह ही इस बार भी अभ्यर्थियों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए समय देगा। आवेदन के लिए लगभग एक महीने का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। फिलहाल 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बीपीएससी सबसे पहले 11वीं से 12वीं के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कक्षा 9 से लेकर 10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम सामने आएगा। सबसे आखिर में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट जारी करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऑफिस की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि 1,70,461 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही 70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल 1,70,000 शिक्षक भर्ती में 9वीं से लेकर 12वीं तक के पदों में जो नहीं भरे जा सके हैं वो पद दूसरी चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। मतलब जो वैकेंट रह गया था पहले चरण में वो अब फिलअप किया जाएगा। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की जो रिक्ति है वो 70,000 से बढ़कर 1,00,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में 11 से 12वीं में लगभग 57,000 रिक्ति थी। इसमें कुल आवेदक ही 42,000 थे। अब सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पोस्ट जो है वो दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएगी। कक्षा 9 से लेकर 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से भी पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग कैटेगरी और विषयवार खाली पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसी सप्ताह बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले हफ्ते समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने के निर्देश दिए थे। अलग अलग जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी होने पर अब इस मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम सहित विभागीय अधिकारियों से भी बात की थी। ऐसा माना जा रहा था कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 सप्ताह में आ जाएगा। ऐसे में खुशखबरी तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई है, उनकी टीम की तरफ से दी गई है कि अब जल्द ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन सामने आने वाला है और एक बड़ी राहत उन शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी जो इस बार छूट गए थे। जो पहले फेज में वैकेंसी हुई उसमें वो छूट गए थे क्योंकि उन्होंने बीएड कर रखा था और बीएड की पात्रता इस एग्जाम के लिए नहीं थी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।